हाय गाइस, स्वागत है भट्टाचार्य शुभ दोस्तों, हैप्पी क्रिसमस। आज मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों के लिए 2019 जनवरी महीना कैसे आएगा। मैं 2019 के ऊपर पूरा वीडियो बना सकता हूँ, 2019 आप लोगों को कैसे आएगा वो आपका आई बटन पर क्लिक करके वीडियो के आखिर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जो लोग इस चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इससे क्या होगा जो भी आपको फिर नोटिफिकेशन आपको चलेगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों पे शुरू करते हैं। जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं महीने में जो खराब पल का समय होता है, कुछ नेगेटिव समय, डिप्रेशन टेंशन का, किसी परिवार में से बीमार होना समय आता है। मैं आपको कुछ डेट बता रहा हूँ जो आपके लिए सावधानी बरतने का दिन होगा दोस्तों। 12 जनवरी, 13 जनवरी, 21, 22 जनवरी, उसके बाद 2 जनवरी, 2nd जनवरी, 3rd जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, इस समय थोड़ा सावधानी बरतते हैं क्योंकि इस समय थोड़ा नेगेटिव पल चल सकता है दोस्तों। आइए चलते बिजनेस वालों के लिए। इस वक्त इस महीने आप लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए बिजनेस यात्रा कर सकते हैं, चाहे फॉरेन में हो, चाहे एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हो, जो आपके कार्य का सीट होगा। हमेशा हमने लेबर वालों के अपने नीचे जो काम करते हैं उसको डांटिए, उनको समझाइए, जो आपके लिए कार्य का सीट होगा उनको समझाइए गलती कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर सही करना है। जिस कारण से अगर लेबर से सही से बर्ताव करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस महीने में। इस महीने में अगर आप लोग कोई इक्विपमेंट लेते हैं, फिर प्लान में चेंज करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए तो सोच समझ के एनालिसिस करके चेंज किया जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई मशीन लेना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, खास करके इक्विटी मार्केट में सेविंग्स और कहीं करना है, तो आपके लिए इस समय बहुत चतुराई से अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है दोस्तों। मैं कुछ डेट बता रहा हूँ आप वालों के लिए, 7, 8, 22 जनवरी को इस समय कोई धोखा देने के चांसेस, पैसा फंसने के चांसेस भी देख रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी का आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर को आग बढ़ते भरोसेमंद कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। इस समय जो लोग कॉमर्स और ट्रेडिंग के रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जो लोग लग्जरी रिलेटेड बिजनेस करते हैं, इन लोगों को फायदेमंद सीट होगा इस समय, खास करके 15 तारीख के बाद से। 15 तारीख के पहले से 1 से 14 तारीख तक थोड़ा बिजनेस डाउन चलेगा, उसका भरपाई अब आखिर में कर लेंगे महीने के आखिर में। आप लोगों की लाइफ में जितने सारे रिश्ते उस रिश्ते को संभाल के रखिए, कोई एक सा रिश्ता बनाने की कोशिश मत करें क्योंकि इससे क्या होगा, टेंशन डिप्रेशन बनेगा और काम में मेंटली और फिजिकली उपस्थित नहीं रह पाएंगे। दुश्मन आपके सभी बिगाड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपका काम कोई और ले ले और बॉस आपकी पीठ तो आपकी तारीफ करने जाए, कोई किसी के और की तारीफ करे, जिसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव समय चल सकता है। अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं 16 से 20 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने खर्चे बहुत ज़्यादा होगा तो खर्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और सही घूस देना भी पड़े तो थोड़ा ध्यान सोच समझ के खर्चे का, जो अपने फायदेमंद सीट हो सकता है दोस्तों। आप लोगों के लिए जो लोग सरकारी जॉब करते हैं यहाँ से फायदा आ सकता है दोस्तों। प्राइवेट जॉब में जो लोग कॉमर्स रिलेटेड जॉब करें इस समय भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। 5, 6 और 31 जनवरी को आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो इस महीने आपको क्या करना, पेशेंस रखना है, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा करने से आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। अगर मैं एजुकेशन वालों के लिए बात करूँ, जो लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, इन समय इनके लिए बहुत बढ़िया समय जाएगा इस महीने में। अच्छा रिजल्ट करने की, पढ़ाई की, समझने की इनकी ताकत बढ़ेगी। 16 तारीख से कॉमर्स और ख़ास करके CA जो वाले हैं, लॉ वाले पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया समय जाएगा इस महीने। ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जिसके कारण से आपका मन भटकने की चांसेस हो सकते हैं, पढ़ाई से मन भटक सकता है। इस समय आप लोग थोड़ा टेंशन डिप्रेशन समय जा सकते, इसके लिए आप लोग थोड़ा प्राणायाम करें, योगा करें, खेल कूदें जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे पढ़ाई के अलावा, आप दूसरे क्षेत्रों में भी अपना रुचि बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे इन फ्यूचर। इस महीने संतान से सुख और संतान का सुख आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकता है, पढ़ाई में मन बसेगा, लेकिन उनको अपने दोस्तों से ऐसे सहयोग मिलेंगे जिसके कारण पढ़ाई से मन भटकने के चांसेस बढ़ रहा है दोस्तों। 13, 29 और 30 जनवरी को आपके लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करते हैं मैरिटल लाइफ के बारे में, लव लाइफ की। इस महीने आपको तो पेशेंट रखना पड़ेगा, बातों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है बातों के गलत इस्तेमाल से परिवार में झगड़ा हो सकता है, तो बातों में कंट्रोल कीजिए जो आपके सही रहेगा। अगर कोई लड़की घर में जो बिजनेस करना चाहती है इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, घर से आपको सहायता कर सकते हैं बिजनेस में। इस समय आपको ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होगी जिसके कारण घर में थोड़ा कलेश का वातावरण बन सकता है। कुल मिलाकर इस समय अगर आप लोग सही समय पर
तो पेशेंस रखिए, सोच समझ के बात कीजिए, किसी का हार्ट ना कीजिए, दिल ना दुखाए, तो इस महीना आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। घूमने फिरने के बहुत सारे आपको चांसेस मिले, खासकर कि ऐसे जो शादीशुदा शादी करना चाहते हैं, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। घर वालों से बात कर सकते हैं और एक नया रिश्ता कर सकते हैं। अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूँ, इस समय जो लोग प्रेमी जोड़े हैं, इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक पल बीतेगा। इस महीने आप लोगों के लिए 2nd, 3rd और 13th जनवरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। बात करते हैं हेल्थ और एनिमी की, इस महीने खर्चा बहुत बढ़ सकता है और खर्चा ज़्यादातर होगा आपको मेडिटेशन आपके रोग को सही करने में। ऐसा बहुत सारे मौके आ सकते हैं जिसके कारण पूरा रोग आपको फिर उभर के आ सकते हैं और डॉक्टर के पास को बार बार जाना पड़े, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कलर रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी खांसी और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक पेन आप लोगों को हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसकी तरफ। उसमें शायद आपके सभी बिगाड़ने में तैयार रहे, तो थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी देना। लोन लेने से पहले सोच लीजिए, लोन लेने से पहले सोच लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। नहीं लेना है तो ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खास करके 5th, 6th, 7th, 27th और 22 जनवरी को आपके लिए थोड़ा सा खराब न्यूज़ आ सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो यही था, यही तक था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूल। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।